नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साधना IAS के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, जैसा कि पिछले आप लगभग दो सप्ताह से देख रहे होंगे कि हम लोग एक तरफ हिंदी साहित्य में व्याख्या खंड की क्लास लेके चल रहे हैं, तो मेरे मन में एक बात आई और आप में से बहुत सारे हमारे YouTube से जुड़े हुए दर्शक मित्रों का सुझाव भी था कि क्यों ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन को भी चलाया जाए। बहुत अच्छी बात है भाई, लिख कर के ही तो पास होंगे। अब चाहे कितना भी समझ लें, रट लें, उन सभी बातों का क्या मतलब है। जब तक कि आप परीक्षा में बहुत बढ़िया से लिख नहीं पा रहे हैं, तो समझिए कि पूरी मेहनत या जो भी आपकी मेहनत रही है वो नगण्य है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि उत्तर लेखन अभ्यास ऐसा समझिए मन का एक खेल है, और अगर मेरी बात मानी तो आप किसी भी दशा में रहें, नींद में रहें, होश में रहें, बेहोश रहें, चेतन में रहें, अवचेतन में रहें, आपको आपके टॉपिक की समझ यदि है, आपने बखूबी उसको समझा है और कई बार उसको लिखा है, तो समझिए कि आप किसी भी दशा में प्रश्न के उत्तर को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं। याद रखिए, परीक्षा भवन में वही बेहतर उत्तर लिख सकता है जो किसी एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़ के उसके उत्तर को कम से कम 4-5 बार लिख करके जाए। रिहर्सल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आपके पास किताब कॉपी कुछ हो। दिल्ली से लगभग 6 महीने से हम फरार हैं, होली के समय से ही फंसे हुए हैं घर पे। जैसे अपने देहातों में आप देखते होंगे कि कोई बारात वगैरह जाता था या कोई व्यक्ति अपनी ससुराल जाता था तो पड़ोसी कपड़े लेके आता था, किसी के जूते लेके आता था, किसी की लाठी मांग लाता था। तो वही दशा इस समय मेरी है, किसी के कपड़े ले लेता हूँ, किताबें हैं नहीं यहाँ पे। लेकिन एक बात तय है कि कई वर्षों से क्लास में पढ़ाते रहने से और पढ़ाने में भी कभी मैंने टॉपिक को ऐसे रटाने पर भरोसा नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान रहता है इस बात पर कि हर टॉपिक आप बहुत बखूबी समझें और उससे बढ़िया आप लिखें। इसलिए हर मुद्दे को एक बार समझाना और उसको पूरी तरह लिखाना। यदि आप में से कोई मुझसे डायरेक्ट कक्षा कार्यक्रम से जुड़ा हो, कई लोग जुड़े हैं, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को ये बात याद है कि हर प्रश्न का उत्तर मुझे लिखाना बहुत पसंद है। अगर शिक्षक आपको बोल करके उत्तर नहीं लिखा रहा है, सिर्फ कहता है कि ये पॉइंट डाल देना, ऐसे ऐसे प्रारूप बना लेना, तो इसका मतलब क्या? GS में भी भाई सिलेबस उसका बड़ा है, इसलिए आपको GS के शिक्षक ये सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी भी है, और यूँ कहें कि बहुत से लोग उत्तर लिखाने से मन चुराते हैं, इसलिए भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन फिर भी GS में चलेगा कि आपको पॉइंट दे दिया गया, आप छांटते रहिए, उत्तर तलाशते रहिए। लेकिन हिंदी साहित्य या ऑप्शनल पेपर का शिक्षक भी यदि आपको पूरा उत्तर लिखा के नहीं देता, तो ठीक मुख्य परीक्षा के पहले आप कहाँ उत्तर छांटेंगे? फिर वही ढाक के 3 पात कई टेक्स्ट बुक को आप संकलित करेंगे, फिर उनको एकत्रित करके उनसे काम के मुद्दे निकालेंगे, उनका निचोड़ निकाल करके नोट्स तैयार करेंगे, तो देखेंगे कि मेहनत आपकी दुगनी तिगुनी हो गई और संतोष नहीं मिलता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो दोस्तों, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके ये मैंने तय किया है कि चाहे आप मेरे ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम से जुड़े हुए हों या डायरेक्ट क्लास से जुड़े हुए हों या हमारे YouTube के दर्शक मित्र हों,
सबके लिए यह एक प्रोग्राम चलाया जाए, उत्तर लेखन अभ्यास प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और याद रखिए, जब आप मुझसे कहते हैं कि सर एकदम सिलसिलेवार हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्रम बटोर रहे हैं। जब आप शिक्षकों को कहते हैं कि सर या गुरुजी एकदम शुरू से पढ़ाइए, तो बहुत से शिक्षक इतने चालाक होते हैं कि आपको हिंदी साहित्य में कहानी से शुरू करते हैं और कहते एकदम शुरू से है पढ़ लो, और आप इतने भोले भाले। हिंदी साहित्य की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और कहानी जैसी विधा की शुरुआत सबसे अंत में 20वीं शताब्दी से। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी साहित्य की दो विधाओं में पहले कविता शुरू हुई, पद्य विधा, इसलिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में कविताएं लिखी गईं, और आधुनिक काल में गद्य विधा की शुरुआत हुई। गद्य में सबसे पहले नाटक और कहानी तो दोस्तों 20वीं शताब्दी से, 1901-2-3 से कहानियां लिखी गईं, नाम सुने हो गए, टोकरी भर मिट्टी, समझिए। तो शिक्षक आपको बहला ले जाता है, आप कहते हैं शुरू से बताइए, और शिक्षक शुरू करता है कहानी से, आपको लगता वाह 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 वाह, और बस आप भोकाल में फंसे चले जाते हैं। अरे इतना भी सीधा होना अच्छी बात है क्या? भगवान ने दिल दिया है, उसके बीते भर ऊपर दिमाग दिया है, दोनों का संतुलित इस्तेमाल कीजिए, मनु की तरह समरसतावाद और आनंदवाद की प्राप्ति होगी। आज सतत विकास में भी आप देखेंगे दिल और दिमाग, भावुकता और बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता, दोनों के सामंजस्य की आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे उटपटांग सवाल आप ना दागें कि शुरू से कीजिए, सिलसिलेवार कीजिए। मेरा कहना है कि भाई अब देखे होंगे, हम लोग गांव देहात के लोग हैं, अपने यहाँ चूल्हे का एक मुंह नहीं होता है, कई मुंह वाला चूल्हा होता है। भाई एक तरफ सब्जी पक रही है, एक तरफ चावल पक रहा है, एक तरफ रोटी पक रही है, तब तो जाकर के एक साथ लगभग सारा खाना तैयार हो जाता है। आप देखेंगे अब पता चला कि एकदम अनाड़ी महिला कोई हो तो सब्जी बनाए, जब उसकी सब्जी बनी तो फिर उसने रोटी के लिए आटे को गूंदना शुरू किया, तब तक सब्जी ठंडी पड़ गई, फिर सब्जी गर्म करने चली तो रोटियां सूख करके पापड़ हो गई। अरे समझिए दोस्तों, हर चीज़ में अपनी एक परंपरा होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है। हिंदी साहित्य या किसी भी ऑप्शनल को पढ़ते हैं आप, तो उसका अपना एक अंदाज होता है। आप इस पर मत जाइए कि किस खंड से शुरू किया जाए, मेरा कहना है कि आप 4 खंड पढ़ रहे हैं, भाषा खंड भी है आपको पढ़ना, भाषा खंड के अलावा साहित्य इतिहास से भी पढ़ना है आपको। अब याद रखिए कि भाषा खंड, साहित्य इतिहास और साथ में कविता खंड, और कविता खंड के साथ साथ यदि आपने उठा लिया गद्य खंड, कौन सा खंड? गद्य खंड। तो मेरा कहना बड़ा सीधा है, बहुत साफ है कि जैसे मान लीजिए आज एक भाषा खंड से अगर हम उत्तर तैयार कर लें, बहुत बढ़िया, कल कविता खंड से तैयार करें, परसों गद्य खंड से तैयार करें, और नरसों साहित्य इतिहास से, तो कोई जलजला आ जाएगा, कोई समस्या खड़ी हो जाएगी? नहीं, बल्कि देखते देखते चारों खंडों को, यानी फर्स्ट पेपर की ये दोनों पार्ट और सेकंड पेपर की ये दोनों पार्ट साथ तैयार करेंगे। इससे होता क्या है कि पूरा साहित्य समग्र रूप में तैयार होता है ना। आप देखेंगे कि एक साथ बहुत सी बातें आपको समझ में आने लगती हैं, और एक शिक्षक की रुचि भी होती है,
सिर्फ भाषा खंड, आप लोग शायद मुझे जानते हो इस बात के लिए कि कोई भाषा खंड और पढ़ाता नहीं, और गुरुजी तो 2000 ईस्वी से ही भाषा खंड पढ़ाते आए हैं, वो भी 40-40 क्लास डायरेक्ट क्लास में। पहले तो और लंबा 2-2 महीने पढ़ाता था भाषा खंड, कविता 3 महीने में अपनी ख़त्म नहीं होती थी, लोगों का 2.5 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो समझ का फेर है कि आप किसी चीज़ को कितनी गहराई से समझते हैं। बात समझिए, हर खंड से एक एक मुद्दा तैयार कीजिए, और यदि भाषा खंड से आप ऐसे करीब 30 बढ़िया प्रश्न तैयार कर लिए, साहित्य इतिहास से लगभग 30-40 तैयार कर लिए, कविता खंड से भी 30-40 और गद्य खंड से भी 30-40, कुल मेरा टारगेट रहेगा कि 150 स्तरीय प्रश्न, 150 जिनको कहें कि जो मानक प्रश्न हैं, जो लगभग कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस, तो लगभग 150 प्रश्नों का पूरा कंप्लीट उत्तर मैं आपको समझा कर लिखा कर देने जा रहा हूँ। और ये प्रक्रिया बिल्कुल कल से शुरू हो जाएगी, आप एक एक करके इनको देखते रहें। मेरे समझाने के बाद आप चुपचाप उनको सुन करके वीडियो देख करके छोड़ रहे हैं, तो फिर आपका वही भोलापन है। देखिए, ऑनलाइन क्लास भी फायदेमंद है, मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन ही फायदेमंद है, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की अपनी अलग अलग प्रकृति है। याद रखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी उंगलियां चलेंगी, आपकी कलम चलेगी। ठीक है, ऑफलाइन में आप शिक्षक से सीधे मिलते हैं, आप बहुत से प्रश्न तपाक तपाक से पूछते हैं जहां संशय होता है, लेकिन मेरा कहना है कि भाई ऑनलाइन में भी तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ऑनलाइन की कक्षा है और हम आपसे कैमरा के माध्यम से मिल रहे हैं, हम स्क्रीन पे मिल रहे हैं, तो क्या स्क्रीन के माध्यम से आप मुझे बेहतर समझ नहीं सकते? समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, यदि आप उनको जेहन में बैठाएंगे तो बातें सहज से सहजतर होती जाएंगी। देखिए, सबसे जो बड़ा काम है वो ये कि मान लीजिए मैंने एक प्रश्न समझा दिया, जैसे आज आपको समझाऊं देवनागरी लिपि की समस्या, अक्सर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, देवनागरी लिपि की कमियों पे चर्चा करें, देवनागरी लिपि के गुण दोष पर चर्चा करें, देवनागरी लिपि की समस्याओं पर। तो फर्ज कीजिए कि आज एक मुद्दा हम कराएं और फिर आप उसको वीडियो देख करके आ गया समझ में बंद करके रख दिए, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। तुरंत एक कप चाय पीजिए, कुछ नाश्ता कीजिए और कागज लेके बैठ जाइए। आपने जो कुछ समझा उसे एक बार फिर से रिवाइज करें, लिख लें, लिखने के बाद एक बार फिर से वीडियो को सुने और पुनः देखिए कि कहाँ त्रुटि रह गई है, पुनः लिखिए। दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बकैती करके भक भक करके परीक्षा पास नहीं होंगे, लिख कर पास होंगे, और लिखेगा वही बहुत अच्छा जो कई बार लिखा हो। याद रखिएगा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी तैयारी ऐसी हो, आपकी लेखन शैली ऐसी हो कि आप नींद में भी प्रश्नों के उत्तर दे दें, और ये तभी संभव है जब हर टॉपिक हर मुद्दे को आप समझकर बार बार लिखते हैं। लिखिए, यदि किसी को लगता है कि मेरे WhatsApp नंबर पर मुझे डायरेक्ट कुछ भेजना हो तो आप भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। हाँ, अब कई बार बहुत से प्रश्नों के उत्तर होते हैं तो दोस्तों थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप में से जिस किसी ने भेजा हो तो आप आजमा के देखे होंगे कि मैं उसका उत्तर चाहे देर से ही सही भेजा जरूर हूँ, चेक करके बताया हूँ कि भाई क्या समस्याएं रही हैं। दोस्तों, तो आइए आज इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए
शुरू करते हैं भाषा खंड के एक प्रश्न को, कल कविता खंड, ऐसे देखेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, भाषा कविता गद्य साहित्य, भाषा कविता गद्य साहित्य। तो आपको लगने लगेगा कि एक साथ, अब इसका देखिए फायदा आपको एक लाइन में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कविता खंड से हमने कबीर पर कोई प्रश्न किया और साहित्य इतिहास खंड से फर्ज कीजिए कि हमने भक्ति काल पर निर्गुण धारा पे प्रश्न किया, बात को समझिएगा। और भाषा खंड से दोस्तों मान लीजिए कि हमने अवधि और ब्रज से कोई प्रश्न किया, तो आपको जानकर हैरत हो कि अवधि ब्रज भक्ति काल की दो आधार बोलियाँ रही हैं और कहीं ना कहीं कबीर तुलसी सूरदास इन्हीं बोलियों में लिख रहे थे। बेशक कबीर भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले थे लेकिन उनकी भाषा भी पंचमेल खिचड़ी थी। तो फायदा ये मिलेगा कि आप जो काम कविता में कर रहे हैं वही काम साहित्य इतिहास में, वही काम भाषा खंड में, एक साथ देखेंगे कि आपके जो घर का चारों पिलर तैयार होगा और चारों खंभे यदि तैयार हो गए तो आपकी छत उस पर आराम से मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो इसको ऐसे करके देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे लिखें हम प्रश्नों को। मान लीजिए कि प्रश्न भाषा खंड से अगर तैयार करें हम, तो आप देखेंगे कि भाषा खंड में हर वर्ष अपभ्रंश और अवहट में किसी एक से प्रश्न आना ही है, कभी कभी दोनों से। ऐसे ही आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी जान बचा लीजिए, देवनागरी लिपि से आप जान नहीं बचा पाएंगे, देवनागरी लिपि से भी एक प्रश्न आना है। और दोस्तों यदि आपने ब्रज और अवधि में तैयार कर लिया तो यहाँ से भी संभावना रहती है। इसके अलावा खड़ी बोली और हिंदी का विकास, इस पे से एक मुद्दा कर लिया तो तय है कि आपसे प्रश्न आना ही आना है, ये चारों टॉपिक कभी छूटते नहीं हैं। और अब एक पांचवें मुद्दे को अगर दो हिस्से में हम बांट के देखें तो पहला उसमें कह लें मानकीकरण, चाहे वो भाषा का हो चाहे वो व्याकरण का हो, और फिर इसी के साथ लगता टॉपिक हिंदी के ही विकास की जो अंतिम स्थिति है, प्रौढ़ स्थिति, राजभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। आप अगर इनमें ढंग से मेहनत कर गए तो भाषा खंड याद रखिए मैथ की तरह आपको नंबर देता है, इसलिए इसको भाषा विज्ञान कहते हैं। लोग कहते हैं रटंत है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं इसको किताब से या नोट से पढ़ लो, मैं कहता हूं आप मेरे साथ बोल बोल के इसे लिखिए और दूसरे को भी पढ़ा दीजिए। और आइए आज मेरे इसी दावे पर चलने की कोशिश करके देखते हैं। तो दोस्तों फर्ज कीजिए कोई भी प्रश्न लिखना हो, हम अपभ्रंश अवहट पर भी लिखेंगे, अपभ्रंश क्या है, उसकी विशेषता, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण क्या, स्वरागम क्या, स्वरलोक क्या, सबको एक एक करके लिखेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन आइए आज देखते हैं देवनागरी लिपि को जो हर बार इससे प्रश्न आता है। तो मान लीजिए एक प्रश्न है देवनागरी लिपि की कमी हो,
या समस्याओं पर चर्चा करें। क्या प्रश्न पूछ लिया गया? देवनागरी लिपि की कमियों या समस्याओं या देवनागरी लिपि के दोषों या सीमाओं, समझिए कितने तरीके से प्रश्न आ सकता है, या न्यूनताओं पर चर्चा करें या चुनौतियों पर चर्चा करें। देखिए एक ही बात को पूछने के कितने अलग अलग तरीके हैं। फर्ज कीजिए कि यह प्रश्न पूछा गया, आपको कुछ भी याद नहीं है, आप बहुत कुछ रट के गए थे, सब भूल भाल गए। दोस्तों किसी भी मुद्दे का जो उत्तर लेखन है, उस उत्तर लेखन से पहले टॉपिक की एक समझ जरूरी है, और यदि समझ सैद्धांतिक है तो फिर गई भैंस पानी में। यदि समझ आपकी व्यावहारिक नहीं है तो समस्याएं जटिल रहेंगी, है ना? कैसे व्यवहार? दोस्तों देवनागरी लिपि कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसकी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ होगा? आजकल कॉन्वेंट पढ़ने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं, तो उन्हें भारत की संस्कृति से और हिंदी भाषा से, अपनी मातृभाषा से बहुत दूर दूर तक का लगाव रहा है, पास का नहीं। तो अंग्रेजी दा लोग, यानी भाषा अंग्रेजी बोलने वाले, इस तरह के आरोप मढ़ते आए हैं कि भाई हिंदी भाषा भी जटिल है और उसकी लिपि देवनागरी लिपि, यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। इस लिपि और इस भाषा को इस्तेमाल करने वाले जाहिर सी बात है हिंदी भाषा से दूरी बना के रखेंगे। ऐसे भी देखा जाए तो भाषाई ग्लोबलाइजेशन या वैश्विक भाषा के स्तर पर अंग्रेजी फल फूल रही है, तो ऐसे परिवेश में, इस प्रकार के माहौल में हिंदी भाषा और उसकी लिपि देवनागरी लिपि की कमियों को निकालने वाले बहुतेरे मिलेंगे। ऐसे ही लोगों ने हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की कमियों को निकाला। तो मैंने कहा कि आप व्यवहारिक जितना समझेंगे। सबसे पहली समस्या निकाली गई हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की, जो देखिए आपको शुरू से याद रहेगा कि देवनागरी में तो 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? जबकि रोमन लिपि में 26 वर्ण हैं। कितने अल्फाबेट्स हैं भाई? 26। अब जाहिर सी बात है कि दुगने वर्ण हैं देवनागरी में। कितने वर्ण हैं? तो इन दुगने वर्णों के कारण देवनागरी लिपि वर्णबोझ का शिकार है। तो आप पहली समस्या लिख लीजिए दोस्तों कि देवनागरी लिपि वर्णबोझ का शिकार है या वर्णाधिक्य का शिकार है। किसका शिकार है? वर्णाधिक्य का शिकार है पहली समस्या। क्यों? रोमन जैसी लिपियों में जहाँ मात्र 26 वर्ण हैं, वहीं देवनागरी में 52 वर्ण हैं। इन अधिक वर्णों को सीखने के लिए किशोरावस्था में या आरंभिक शिक्षा के दौरान किशोरों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पहली समस्या, देवनागरी लिपि वर्णबोझ या वर्णाधिक्य का शिकार है। या भूल जाएंगे? अरे बोलिए ना, नहीं भूलेंगे? दोस्तों
अब इसे थोड़ा और व्यवहारिक बनाती हैं कि वर्ण बोझ या वर्णाधिक्य क्यों है देवनागरी लिपि में। क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा मुद्दा कर रहे हैं? देवनागरी लिपि की कमियाँ, देवनागरी लिपि की समस्याएं, देवनागरी लिपि के दोष। तो अब मान लीजिए कि भाई ये वर्णाधिक्य है तो क्यों है, आप ये दर्शाएंगे। दोस्तों देखिए, आप शुरू कीजिएगा कि ये जो हम बिंदी लगाते हैं है ना, जैसे कंगन, जैसे चंपक लगाते हैं ना, एक तो ये बिंदी है, ऊपर से अर्धचंद्र बिंदु है, समझिए। और इतना ही नहीं, कभी कभी इसे ही हम ऐसे भी लिखते हैं, आधा म लगा के। मतलब कोई बिंदी लगाता है हंस, कोई अर्धचंद्र बिंदु लगाता है हंस, और कभी कभी आप ये पंचमाक्षर हैं, देखिए अंग ञ ण न म, इन्हीं पांचों अक्षरों के बदले आप देखेंगे बोर्ड पर, देखिए गंगा। वास्तव में यदि रामायण महाभारत आप पढ़ते हैं तो वहाँ गंगा ऐसे भी, देखिए याधांग, ऐसे ही देखिए चंचल। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा इया, ये भी पंचमाक्षर है, देखिए देखते जाइएगा। जैसे अंडा, तो ये अंडा भी आधाण, देखिएगा कितना आसान है। जैसे चंदन, और आप चाहें तो चंदन आधा पंचमाक्षर भी। ऐसे ही आप कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे चंपक, और चंपक भी देखिए। गुंडा, और गुंडा भी, ण भी। दोस्तों इसे पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे अनुस्वार बिंदी कहते हैं, इसे अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। अब समझिए, जो लोग अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं वो इन सब के लिए मात्र एन या बहुत हुआ तो एम का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी गंगा को भी जी ए एन जी ए, समझिए, चंदन को भी सी एच ए एन, देखिए गंगा में भी एन, चंदन में भी एम, जबकि हमारे लिए न अलग है, ण अलग है। और किसी का नाम कंचन हो तो के ए एन, वहाँ भी एन, जबकि हम कंचन लिखते हैं ऐसे, देखिए हम कैसे लिखते हैं, ये वाला आधाइया। तो बोलिए मेरे साथ, नासिक ध्वनियों के लिए जो नाक से निकले, एन एम ये पंचमाक्षर, नासिक ध्वनियों के लिए रोमन लिपि में मात्र दो वर्ण हैं, एन और एम। इसी से सबका काम चल जाता है, जबकि देवनागरी लिपि में नासिक ध्वनियों के लिए बिंदी का भी प्रयोग करते हैं, अर्धचंद्र बिंदु का भी प्रयोग करते हैं, और पंचमाक्षर का भी प्रयोग करते हैं। बोलिए, रोमन लिपि में नासिक ध्वनियों के लिए जहाँ एन और एम जैसे वर्णों का प्रयोग करते हैं मात्र, वहीं हिंदी में देवनागरी लिपि में नासिक वर्णों के लिए एक तो बिंदी, ऊपर से अर्धचंद्र बिंदु, और साथ ही पंचमाक्षर का भी प्रयोग करते हैं। इस वजह से इस लिपि को सीखना आसान नहीं रह जाता, साथ ही लिपि में वर्ण बोझ बढ़ता जाता है। ये भी हैं, इनकी जगह बिंदी भी है और अर्धचंद्र बिंदु भी,
समस्या गंभीर तब और हो जाती है कि भाई कहाँ बिंदी लगाएं, कहाँ अर्धचंद्र बिंदु लगाएं, और इनका उच्चारण कैसे करें। भाई इसका उच्चारण तो हंस हुआ, हंस, और इसका उच्चारण हंस। तो किशोरों को ये अक्सर दिक्कत आती है कि किस शब्द में बिंदी लगाएं, किस शब्द में अर्धचंद्र बिंदी लगाएं, कहाँ पंचमाक्षर लगाएं। तो देवनागरी लिपि में वर्णबोझ या वर्णाधिक्य का एक सबसे बड़ा यह कारण है, और इसीलिए देवनागरी लिपि दोषपूर्ण है, किशोरों के लिए चुनौतीपूर्ण है, यह इसकी सीमाएं हैं। आप जो जो लिखना चाहें, कमी निकालने वाले याद रखिए, वास्तव में ये कमियां नहीं है, ये वैज्ञानिकता है। हम लोग देखेंगे बाद में जब प्रश्न करेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पे चर्चा करें। लेकिन जो लोग कमी निकाले तो उन्होंने इसकी कमी निकाली कि वर्णाधिक्य है, वर्णभोज है। अरे हाँ या ना, तो देखिए पहली बात आपने क्या लिखा था कि देवनागरी लिपि में वर्णाधिक्य है, वर्णभोज है। दूसरी बात आप क्या समझाए कि देवनागरी लिपि में नासिक ध्वनियों के लिए बिंदी भी है, अर्धचंद्र बिंदु भी है, और पंचमाक्षर भी, पांचवा अक्षर क ख ग घ ङ पांच नंबर पे है, च छ ज झ ञ। आसान है, आइए देखते हैं। मैंने कहा था व्यवहारिक सीखिए, ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों भाई देवनागरी लिपि और रोमन लिपि की अगर तुलना करें तो देखिए रोमन लिपि में आप एक एच वर्ण से कई वर्णों को लिखते हैं। कैसे, देखिए के में एच लगा दिया तो ख, सी में एच लगा दिया छ, जे में एच लगा दिया झ, पी में एच लगा दिया ठ, समझिए डी में एच लगा दिया तो ध भी ढ भी। इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। महाप्राण ध्वनि क ख ग घ अंग दूसरी और चौथी ध्वनि होती है। ऐसे ही च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। समझिएगा दोस्तों, ये दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण है। ध्यान से देखिए रोमन में क्या है, के एच ख, जी एच घ, एक एच वर्ण कई वर्णों को बना देता है। सी है सी एच छ, जी से ग जी एच घ, जे से ज जे एच झ, टी से ट टी एच ठ, डी से ड डी एच ढ। अब देखिए टी से ट भी है, टी से त भी है, एक ही वर्ण से अल्फाबेट से कई ध्वनियाँ लिखी जाती हैं। तो भाई 26 से काम चल जाएगा। हाँ पहले अपने यहाँ देहात में भी बड़े भाई का जूता खरीदा जाता था, मंझले और छोटे भी पहनते थे, पीछे रुई डाल के आगे पीछे, याद है ना। और लेकिन उसकी दुर्दशा क्या होती थी, जूते के लिए मारपीट। एक ही किताब खरीदी जाती थी, वो भी सेकेंड हैंड, और दोनों तीनों भाई पढ़ते थे, तो समस्या तो याद है ना, झोटा झोटी। इसीलिए रोमन लिपि में झोटा झोटी है। झोटा झोटी का सेंस कि शब्द लिखें कैसे, पढ़ें कैसे। इसलिए चोटा लिखा है कि छोटा समझ में नहीं आता। देखिए सी एच ओ टी ए, चोटा है कि छोटा है। केमिस्ट्री भी लिखते हैं सी एच से, और चोपड़ा भी लिखते हैं सी एच, यानी सी एच से चोपड़ा भी, सी एच से केमिस्ट्री भी। अब पता ढूंढते रहिए कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कोपड़ा साहब कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चोपड़ा साहब। समझिए
जो भी हो, ऐसे लोगों ने देवनागरी लिपि के दोष निकाले, अपने यहाँ देसी में एक कहावत है, लोग कहते हैं चलनिया दोषे सूपवा के, यानी चलनी छलनी सूप को दोष लगाती है कि तेरे में तो बहुत छेद हैं। जिस रोमन लिपि में इतनी समस्याएं हैं, वही रोमन लिपि पढ़ करके लोग अंग्रेजी पढ़ के हिंदी की लिपि देवनागरी में कमियां ढूंढने चलते हैं। अरे चश्मा भी कांच का हो तो दिख जाए, लेकिन जो टीने का चश्मा लगा के बैठे हैं उन्हें क्या समझ में आएगी बात। खैर फिलहाल आपसे प्रश्न आएगा, आपको लिखना, देखिए क्या लिखिएगा दोस्तों। ये दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो आप लिखिएगा कि देवनागरी लिपि में महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों की अलग अलग व्यवस्था है, इस वजह से भी देवनागरी लिपि में वर्णों का बोझ देखा जा सकता है, वर्णाधिक्य की समस्या देखी जा सकती है। पहला कारण, देवनागरी लिपि में वर्णाधिक्य है, उसकी पुष्टि के लिए आप क्या लिख रहे हैं, नासिक ध्वनियों को तीन तरीके से इसमें लिखते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, अर्धचंद्र बिंदु भी लगाते हैं और पंचमाक्षर का भी अंग यणम। दूसरी पुष्टि में लिख रहे हैं आप बात कि भाई अल्पप्राण ध्वनि अलग है, महाप्राण अलग है, अल्पप्राण महाप्राण, इसलिए ध्वनियों की व्यवस्था अत्यंत जटिल हो जाती है, वर्णाधिक्य की समस्या बढ़ती रहती है। दोस्तों थोड़ा और व्यवहारिक देखते हैं इसको, कि भाई जहां रोमन लिपि में ऊष्म वर्ण के लिए एस और एस एच से काम चल जाता है, मतलब एच तो भाई है ही, इस एच को जहां मन वहां बैठा दीजिए, तो इसी से वो तीनों लिख लेते हैं, स भी लिख लेते हैं, स भी लिख लेते हैं, स भी। इतना ही नहीं, समस्या इतनी गंभीर आती है कि अगर उनको कक्षा भी लिखना हो तो आप देखेंगे कि इसी से काम चला लेते हैं, के ए के एस एच ए जा पढ़ते रहिए कक्षा, क्या पढ़िए कक्षा। ऐसे ही लोग देवनागरी लिपि पर यह दोष लगाते हैं, उसकी कमी निकालते हैं कि देवनागरी लिपि में ऊष्म वर्णों की अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ तालव्य स भी है, यहाँ मूर्धन्य स भी है, यहाँ दंत्य स भी है। कहाँ एक ही वर्ण से काम चला, वहीं देवनागरी लिपि में बोलिए ऊष्म ध्वनियों के लिए तीन अलग अलग वर्ण हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो लिखेंगे क्या कि देवनागरी लिपि में वर्णाधिक्य इस कारण से भी है क्योंकि यहाँ ऊष्म वर्ण तीन तीन है। छोटे बच्चों को, अपने को दिक्कत आती है, छोटे बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के हम लोग चला रहे हैं, किशोरों को, छोटे बच्चों को आरंभिक शिक्षा के दौरान इस प्रश्न के उत्तर में या इन ध्वनियों के प्रयोग में समस्या आती है कि कहाँ इनका प्रयोग करें। कई बार उनसे पूछा जाता है कि बेटा ये बता, ये कोश, ये कोश और ये कोश, इनका अंतर बताओ। तो किशोरों को दिक्कत आती है इन वर्णों का प्रयोग कहाँ करें, इनका उच्चारण कैसे करें। तो वर्णाधिक्य का ये तीसरा कारण है, देवनागरी लिपि के दोष निकाल रहे हैं हम लोग। दोस्तों अब आइए जरा कुछ और बातों को देखें कि देवनागरी लिपि में वर्ण बोझ या वर्णाधिक्य इस अर्थ में भी है कि
क्योंकि यहाँ र वर्ण चार तरह से लिखा जाता है। कैसे? एक बार लिखा रासु, देखिए, फिर एक बार लिखा सर्प, फिर एक बार लिखा त्रासदी। हाँ, इसे ही शॉर्ट में आप लोग ऐसे लिख देते हैं, हम भी ऐसे ही लिखते हैं। वास्तव में ये वर्ण ऐसे है र, इसी को आप ऐसे लिख के खुश हो जाते हैं। और इसे ही जब हम लिखते हैं तो राष्ट्र ऐसे। अब कोई प्रण लिखता है तो वहाँ भी र है, समझिए। ड्रम लिखता है तो वहाँ भी र है, ट्रक लिखता है तो वहाँ भी र है, दोस्तों धर्म लिखते हैं तो वहाँ भी र है। देवनागरी लिपि में कुछ लोगों ने ये माना कि वर्णाधिक्य का एक कारण यह भी है, या इस लिपि के जटिल होने या इसके दोषपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि र को चार तरीके से लिखा जाता है। एक बार लिखा राम, देखिए यही र, फिर सर्प में यही र, देखिए कोण बदल लिया, फिर जब आप लिखते हैं क्रय तो देखिए यही र, कोण बदल लिया, यही र है दोस्तों। और फिर जब आप लिखते हैं ड्रम तो यही र, देखिए यहाँ कोण बदल लिया। वास्तव में ये इसकी वैज्ञानिकता, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में एक एक वर्ण को चार चार तरह से लिखते हैं। किशोरों को सीखने में समस्या उत्पन्न होती है, और तो और कभी कभी दो अलग अलग वर्ण भी एक ही जैसे दिखाई पड़ते, उनका अंतर कैसे किया जाए? भाई ये श्रम है और ये श्रृंगार है। अब किशोरों को दिक्कत आती है, दिख रहा है आपको कि ये क्या है, री है या र है, और ये क्या है, है या ना भाई? ये अगर प्रथा है तो ये प्रीथा है, लेकिन छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है तो इसे भी कहते हैं प्रथा। इसीलिए आप देखिएगा, पश्चिमी भारत के, राजस्थान हरियाणा के जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो गृह को भी ग्रह कहते हैं। वो कहते हैं गुरुजी आपको न्योता देने आया हूँ। आप पूछेंगे क्यों बेटा, तो कहेंगे कल हमारे यहाँ ग्रह प्रवेश है। आप कहेंगे किस ग्रह में जा रहा है तू बता, मंगल में जा रहा है या बुध में बता, वो गृह को ग्रह कहते हैं। इसलिए बहुत से लोग कृष्ण को भी कृष्ण, कृपा को कृपा, जाहिर सी बात है समस्याएं अनंत हैं। दोस्तों देवनागरी लिपि में वर्णाधिक्य का एक ये भी कारण आप देख रहे हैं, र और री का प्रयोग, र के चार प्रयोग। जरा कुछ और बातों को लें कि देवनागरी लिपि में एक कमी यह भी है कि अब इसके कुछ वर्ण प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। छोटे बच्चे जैसे ये अंग, क ख ग घ, अंग पांचवा वर्ण है ना, च छ ज झ ञ। आप देखेंगे पश्चिमी भारत के लोग, राजस्थान हरियाणा के लोग, पश्चिमी यूपी के लोग इन दोनों वर्णों का प्रयोग करते ही नहीं। उनसे आप पढ़वाएं भी तो पढ़ेंगे क ख ग घ अण, च छ ज झ अण, ट ठ ड ढ अण, तीनों एक जैसा पढ़ते हैं, जबकि ये है अंग ञ। तो आप लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। इनके कारण एक तो वर्ण बोझ बढ़ा हुआ है, ऊपर से किशोरों के लिए ये जटिल है। दोस्तों आइए कुछ और बातें करते हैं। आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में एक ही वर्ण को दो तरीके से लिखा जाता है। इस वजह से जैसे अ, यदि आप रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो आप इस अ को देखेंगे पौराणिक पुस्तकों में, जैसे ण ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ल ऐसे भी लिखते हैं, और जैसे झ
ऐसे भी लिखते हैं। तो लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। एक ही वर्ण को अलग अलग रूपों में लिखे जाने के कारण एक तो देवनागरी लिपि वर्ण बोझ से ग्रसित होती है, ऊपर से किशोरों को अब इन वर्णों की समझ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज के कॉन्वेंट बच्चों को कहा जाए कि बेटा ये क्या लिखा है पढ़, अब वो चक्कर में पड़ जाएंगे। उनसे कहा जाए कि भाई जैसे ये क्या लिखा है, वो नहीं समझ पाए। जैसे उनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या लिखा है, तो वो शायद ना समझ पाए। जैसे कहा जाए उनसे कि ये क्या लिखा है, ना समझ पाए। और इसीलिए पौराणिक पुस्तकों को पढ़ते समय किशोरों को तो छोड़िए, हमें आपको भी दिक्कत होती है। और ये इसलिए होती क्योंकि हम लोग देवनागरी लिपि को ठीक से जानते नहीं। तो एक ये भी समस्या है कि एक ही वर्ण के इसमें दो दो रूप हैं। इन दोनों रूपों से लिपि वर्णबोझ से ग्रसित होती है और जटिल होती है। कुछ और बातों को जरा देखिए दोस्तों, सब पॉइंट फॉर्म है, इनको पॉइंट फॉर्म में लिखिए, एग्जाम में भी लिखिए, टेंशन नहीं लेने का। पांचवा छठा जो भी पॉइंट हो कि देवनागरी लिपि में एक तो मौलिक वर्ण है, देखिए क और श, ऊपर से इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त या मिश्रित वर्ण बनाया गया है। तो पहले से ही वर्ण अधिक हैं, ऊपर से दो दो को मिला के एक तीसरा भी बनाया गया है। जैसे त र त्र, जैसे ज ञ ज्ञ, जैसे श र श्र, जैसे प र प्र। समझिए, तो आप लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में जटिलता या वर्णबोझ या वर्णाधिक्य का एक कारण यह भी है कि मौलिक वर्ण हैं, फिर भी इनको मिला करके संयुक्त वर्ण बनाए गए हैं, मिश्रित वर्ण बनाए गए हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब आप देखेंगे कि रोमन लिपि में ऐसी समस्या नहीं मिलती है लोगों को। क्यों? छ लिखने के लिए तीन वर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, के एस एच। त्र लिखने के लिए टी आर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए क्षत्रिय लिखना हो तो देवनागरी लिपि में हम तो तीन अक्षरों से काम चला लें, लेकिन रोमन लिखने वाले के एस एच ए टी आर आई वाई ए तिगुना से भी अधिक लिखते हैं। फिर भी उन्हें रोमन से प्रेम है, उन्हें लगता है बहुत आसान है। होना भी चाहिए आसान भाई। बगुले यदि हंस की सभा में बैठें तो बगुले से हंस का भी काम ले लिया जाए। कौवे हंसों की सभा में बैठें तो संत तुलसीदास बहुत पहले कह गए थे कि हंस चुगेगा दाना भैया, कौवा मोती खाएगा। जाहिर सी बात है, ये मेरा व्यंग नहीं है, ये अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी दा लोग ना तो हमारी संस्कृति को पहचानते हैं, ना अपनी मातृभाषा को पहचानते हैं, अपनी में ही कमियां निकालते रहते हैं। अब उन्हें एक लाइन गीता तो समझ में आती नहीं है, रामचरितमानस की पंक्ति वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है, उसमें भी तत्सम निष्ठ वर्ण है, तो गाली बकते हैं। इसीलिए हम और आप अपने को ही कोसने वाले लोग हैं, और व्यक्ति अपने को तब कोसता है जब वो हाईली फ्रस्ट्रेटेड होता है। देवनागरी लिपि की कमी निकालने वाले भी ऐसे ही लोग हैं। तो समझिए, आप लिखेंगे कि देवनागरी लिपि की एक कमी यह भी है कि एक तो इसमें मूल वर्ण हैं, ऊपर से इनको मिला के अलग से संयुक्त वर्ण बनाए गए हैं। हाँ या ना, जैसे मूल वर्ण हैं, देखिए कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि द और य है आधा, और इसे ही मिला करके ऊपर नीचे कर दिया तो ऊपर द नीचे य,
लिखते हो ना, देखो द य द य द्य, ऊपर का वर्ण आधा होता है, नीचे का पूरा होता है, हाँ या ना दोस्तों। इतना ही नहीं, जब आप लिखें देवनागरी लिपि की कमियों को तो यह भी पॉइंट दर्शाएं कि देवनागरी लिपि में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इनमें अंतर कर पाना, जैसे भ म, जैसे घ ध, तो अलग अलग वर्ण होकर भी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, यह भी एक समस्या है, यह भी इस लिपि का दोष है दोस्तों। फिर यदि बात करें कि देवनागरी के अंक, किसके अंक, देवनागरी लिपि के अंक जो अब बिल्कुल जटिल हो चुके हैं, इस लिपि का सबसे बड़ा दोष है कि इसके अंक अब प्रयोग में भी नहीं हैं। कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये प्रयोग में नहीं है। इसीलिए अब मान लीजिए किसी पुस्तक में ओम लिखा हुआ है तो हम लोगों को लगता है कि ये ऊ लिखा है, वास्तव में ये तीन है, प्लुत स्वर है, ओ सामान्य उच्चारण की जगह तीन गुना उच्चारण, ओ ओम, ये वास्तव में तीन है। तो आप एक कमी ये भी निकाल सकते हैं कि देवनागरी लिपि में अंकों का प्रयोग अब और जटिल हो गया है, व्यवहारिक नहीं है, लोग इसका प्रयोग नहीं करते। दोस्तों यदि बात की जाए एक और बात, इनफैक्ट दो और कमियों को निकाल के आप दर्शाएं कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा लगाते हैं, हेडलाइन है ना राम, इस शिरोरेखा सिर पर रेखा, इस शिरोरेखा को लगाने के कारण अगर आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं तो कहिए स्याही भी अधिक खर्च होती है भाई, कह सकते हैं कि समय अधिक लगता है, मेहनत भी लगती है और लेखन में कागज और स्याही का भी अपव्यय होता है। तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा, शिरोरेखा समझ रहे हैं ना, हेडलाइन, शिरोरेखा का प्रयोग अपने आप में समस्या का कारण है, आलसी लोग ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दर्शाएं कि देवनागरी लिपि जब भी इतनी कमियों को दिखा लें, ये सब कमियां निकाल लें, तो आप एक दो और अनूठी चीज़ों को निकाल करके जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी ओर करना पड़ता है, इन मात्राओं को बार बार लगाने के लिए बार बार हाथ उठाना पड़ता है, उंगली उठानी पड़ती है, इसलिए लिखने में क्रम भंग होता है, देवनागरी लिपि लिखते समय अधिक समय लगता है, आप ये भी कमी दर्शा सकते हैं, हाँ या ना दोस्तों। इतना ही नहीं, आप इसके दोष को जब दर्शाएं तो एक बात और चर्चा करें कि देवनागरी लिपि में एक तो स्वर हैं अ आ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ, ऊपर से इनके लिए मात्राएं भी हैं, जैसे देखिए आ ई बड़ी ई बड़ा उ है ना, छोटा उ बड़ा उ ए ऐ ओ औ, सुनिएगा ध्यान से, एक तो देवनागरी लिपि में अलग से स्वर के वर्ण हैं, ऊपर से इन्हीं के लिए मात्राएं, जाहिर सी बात है इससे देवनागरी लिपि वर्ण बोझ का शिकार होती है, जटिलताएं बढ़ती हैं, किशोरों के लिए समस्याएं बढ़ती जाती हैं, यही वजह है कि इस लिपि को अन्य लिपियों की तुलना में लोग दोषपूर्ण मानते हैं, चुनौतीपूर्ण मानते हैं। कितना समझ में आया,
अरे हाँ याना, दो बार वीडियो देख के लिख लेंगे तो परीक्षा में भूलेंगे नहीं। पहले हमारे ज़माने में 60-60 नंबर के प्रश्न आते थे, अब तो आपसे आईएएस में 15 नंबर, 10 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर, 30 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। आप चाहें तो बड़े में भी तैयार करें, चाहें तो छोटे में। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं कल अगले मुद्दे पर बात करने के लिए। कल हम लोग कविता खंड से कोई मुद्दा लेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्ते दोस्तों।